मित्रों, आप सबका स्वागत है आज के बातों बातों में कार्यक्रम में। एक मिनट लेट हो गया मैं, उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेट होने के कारण हमको ये एक मिनट का लाभ भी मिलेगा। जब ये बंद होगा तो 8:01 पर ही बंद होगा। 7:05 पर आज हमारे मेहमान रूहान कपूर जी, सुविख्यात प्रतिष्ठित गायक महेंद्र कपूर जी के बेटे आएंगे और वो अपने अनुभव साझा करेंगे। कृति मिश्रा इस बीच आ गई हैं, पुष्पा पंडा जी हैं, तापस शुक्ल हैं। मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने मित्रों का, बच्चों का, प्रतिभा जी, विनय उपाध्याय जी, आदरणीय नीरजा जी का हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में वे आई हैं और हमें उम्मीद है कि वो पूरे समय बनी रहेंगी रोहन जी के साथ, हमारे साथ। आज जो हमारे बीच कलाकार पधार रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा दो आयामों में है। वे नायक के रूप में हिंदी सिनेमा में पदार्पण हुए थे और उसके बाद उन्होंने पार्श्व गायन को एक निरंतरता प्रदान की और अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए पिता का नाम रोशन करने का काम किया। सुदेशना मिश्रा, आपका स्वागत है। खुश रहिए तापस, अच्छा लग रहा है आपको देख के। आप भी आज पहली बार आए हैं मुझे लगता है इस कार्यक्रम में। लगभग 2 महीने से ज़्यादा हमको इस कार्यक्रम को करते हुए हो गया और 60 से अधिक कलाकारों तक हम पहुँचे हैं और जीवन और सृजन को लेकर बहुत प्रेरणादायी बातें हूँ। जीवन में एक कलाकार कितने परिश्रम के साथ, कितने खूबसूरत स्वप्न के साथ अपनी शुरुआत करता है, आगे बढ़ता है, किस किस तरह की बाधाएं आती हैं, किस किस तरह की अनुकूलताएं आती हैं, कौन सपनों को पंख देता है, कौन कल्पनाओं को परवान चढ़ाता है, कैसे पहचान बनती है, कैसे पहचान समृद्ध होती है। मैं अपने आदरणीय मित्र और देश की सुविख्यात नृत्यांगना आनंदा शंकर जयंत जी का भी बहुत स्वागत करता हूँ। आज वो इस कार्यक्रम में आई, हमारा मान बड़ा है और मैं चाहूँगा कि कभी उनकी भी उदारता, उनकी कृपा भी हम पर हो और इस बातों बातों के मेहमान वो भी बने। मैं उनको अलग से अनुरोध करूँगा। अभी 7:05 पर रोहन जी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, हम उनको जोड़ लेंगे। सुदर्शन, आपका स्वागत है। जैनी, आपका स्वागत है। 1 मिनट बाकी है। रोहन कपूर जी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप उनसे जब बात करो, उनसे मिलो, तो बिल्कुल एक पारिवारिक और एक अपने से लगने वाली व्यक्ति के रूप में हम उनसे व्यवहार में आते हैं। ये गुण उनके पापा में भी रहा, आदरणीय श्री महेंद्र कपूर जी, जिनसे मुझे एक बार मिलने का सौभाग्य इंदौर में मिला था और मैंने देखा कि वो उनका बिल्कुल मिलना जुलना बिल्कुल ऐसा था जैसे पिता बेटे से मिलता है। उनको उनके व्यवहार में मैं कल्पना नहीं कर पाता था कि इतने बड़े कलाकार हैं, इतने आयामों में उनकी स्वर लहरियाँ उन्होंने बिखेरी हैं और वो हिंदी फिल्मों की धरोहर बन के रही। हिंदी, पंजाबी, कई भाषाओं में आदरणीय महेंद्र कपूर जी ने गाने गाए और अपनी पहचान बनाई लगातार, और अनेक प्रतिष्ठित कलाकारों की तो वो स्वर पहचान बनी। यदि सुनील दत्त गाएंगे तो स्वर महेंद्र कपूर जी का होगा, यदि मनोज कुमार गाएंगे तो स्वर महेंद्र कपूर जी का होगा, बल्कि बाद में नए कलाकार राज बब्बर जैसे कलाकार जब हिंदी फिल्मों में आए और उनकी प्रतिष्ठा बनी तो उनका स्वर भी महेंद्र कपूर बने। ऐसे बहुत से कलाकारों की वो स्वर पहचान बनी। सुबंडुगा जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। और अब लगभग टाइम हो चुका है, मैं रोहन भाई को निमंत्रित करने की कोशिश करता हूँ। वे आ गए हैं, बस मैं उनका इशारा बस मुझे मिल गया। हरे नमस्कार सुनील भैया, कैसे हैं जी? प्रणाम।
मैं अच्छा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हालांकि मैं ईयरफोन लगा नहीं पाया, मैं लगा ले रहा हूँ तो हाँ और जी, हाँ अच्छा हो जी, जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, जी सच में, आपको देखकर, आपसे मिलकर ऐसा लगता है कि बस अपने परिवार में अपने किसी बंधु से मिले। सेम हेयर सुनील जी, सेम हेयर। आपको देखकर हमेशा खुशी होती है, आपसे मिलकर हमेशा खुशी होती है। आप स्वयं इतने प्यारे, इतने 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 साधारण, इतने प्यारे इंसान हैं, तो मुझे लगता है शायद ये आप ही का एक वो प्रभाव है, जो जिसमें आपको सब अच्छे लगते हैं। नहीं, हमेशा ये तो हुआ कि जीवन में कुछ इस तरह के कामों से जुड़े रहे, रोजी जी रोटी भी उस काम से जुड़ी रही, तो ये तो रहा जी कि मिलना जुलना खूब होता रहा कलाकार हाँ जी से सबसे। जी लेकिन वे लोग मन में और दिल में एक जगह बना गए जिनका व्यवहार सचमुच एक आदर्श लगा, और ये लगा कि मतलब ये सब सारे कुछ वातावरण ने उनको जरा भी नहीं बदला है। जिस परिवेश से, जिस जमीन से, जिस मिट्टी से आए हो, उस मिट्टी को आज बिल्कुल तक जी रहे, वही बिल्कुल सब आपके साथ देखा। हाँ और जी मैं मुझे मतलब मैं आपको ये बता एक तो ये मैं बताना चाहूंगा कि ये बातों बातों में कार्यक्रम हमने लगभग 2.25 महीने पहले शुरू किया था, लॉकडाउन जी के जी समय। मुझे हाँ लगा जी कि इस पूरे कठिन समय का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, तो इस विचार के चलते फिर हम लोग हमने ये कोशिश की कि बातों बातों में नाम रख लिया। बहुत ज्यादा हाँ सोचा जी विचारा नहीं कि टाइटल क्या होगा, हाँ जी और ये रहा कि एक उदार बातचीत, स्मूथली अपनी बात कहना है, हाँ अगर जी उसको विस्तार से कहना है तो उसको संक्षेप में कहना है तो छोटे में जी बड़े में, लेकिन उस बातचीत से कुछ प्रेरणा निकले। क्योंकि आप जब हैं कुछ बात बताने जा रहे हैं, तो जो लोग सुनने वाले हैं उनको जरूर आपकी आपकी उपलब्धियों से, आपकी सक्रियता से, आपके लगातार किए जाने वाले कार्यों से उनको कुछ प्रेरणा मिलेगी, सीखने को मिलेगा। यही सब जीवन जी में काम आता है, और जी एक अनुभव जो है वो 100 लोगों को प्रेरणा देता है, रास्ता दिखाता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात सुनी जी। और मुझे मतलब इस बात से, एक तो मैं आपके आने से पहले बता रहा था अपने मित्रों को जो लोग यहाँ ज्वाइन हुए हैं, कि हाँ जी किस तरह से पिताजी की बात कर रहा था, बहन कपूर साहब की, कि जी कैसे सबसे पहली बार जब उनको लता मंगेशकर अवार्ड मिला था और वो इंदौर आए थे, तो मैं सबसे पहली बार एयरपोर्ट पे उनका दर्शन हुआ था, मिला था, और जी मैं अपने आप में रोमांचित था कि जिनको मैंने छोटी उम्र से, निश्चित जी रूप से मैं बहुत छोटा था जब हबराज वगैरह फिल्में आई थी हाँ और जी उपकार जैसी फिल्में आई थी, हमारी उम्र बहुत छोटी थी, 10-11 साल की हाँ थी, जी हाँ जी जिनके जिनके स्वर को हम सुनते आ रहे हैं, उनको प्रत्यक्ष देखने का अवसर मिल रहा। उस पर आप भी आए थे जी जी साथ में, हाँ जी हाँ मुझे जी याद है। मेरा बेटा तो भी था, उस परिवार था हम लोग। हाँ सभी लोग हाँ हाँ जी तो और उस समय उनका व्यवहार और बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि हम इतने बड़े कलाकार से मिल रहे हैं। जी एक बहुत बड़ी सुनील जी उनमें खूबी थी। उनकी सरलता, उनकी जो उनके अंदर हमेशा वो एक हर चीज को, हर मतलब पहलू को वो बहुत इंसानियत के रूप से देखते थे। उन्होंने कभी, हाँ, उन्होंने कभी किसी और बहुतों का वो उदाहरण देते थे हमें। अब जैसे कि आप, जैसे हम जब छोटे थे तो किसी बच्चे को माँ बाप सिखाते हैं जी ये करो, वो मत करो, वो करो, वो मत करो, वो ऐसा कभी बोलते नहीं थे। वो कोई ऐसा उदाहरण दिया करते थे जिससे हम खुद समझ जाते थे कि वो क्या कहना चाहते हैं हमें। तो उन्होंने बहुत सी प्रेरणा ली। उन्होंने आदरणीय मुकेश जी से, मुकेश जी जो गायक थे, वो डैड से बहुत प्यार किया करते थे। और चाहे डैडी के असली संगीत में उस्ताद तो रफी साहब थे, बिकॉज छोटे बचपन से उनके साथ बहुत संपर्क रहा। लेकिन बड़े होकर जब मुकेश जी के साथ उनका साथ शुरू हुआ और उन्होंने साथ में शोज करना शुरू किया, और उनके साथ जब वो बोलते ना, एक एक फैमिली जैसे रिलेशन हो गया था मुकेश जी के साथ, तो बोलते थे एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान थे वो मुकेश जी। और वो ऐसी ऐसी बातें किया करते थे। वो हमेशा डैड को कहा करते थे कि महेंद्र, यहां से हाथ से कोई तुम्हारे छीन के रोजी लोटी लेके जा सकता है, लेकिन यहां से कोई छीन के नहीं लेके जा सकता। तो बेटा, जो आपके मुकद्दर में है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, और उस बात के लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। और ऐसे ऐसे कई उन्होंने केसेस, मतलब डैड को बहुत सी सलीके उन्होंने सिखाए, बहुत सी चीजें डैड ने हमेशा खुद कहते थे कि ये चीजें मैंने मुकेश जी से सीखी।
उनको सर्दी के दिनों में उन्होंने डैड को फोन करना, चल चल महेंद्र चल यार हम लोग चलते हैं। डैड से बहुत बड़ी उम्र के थे वो, तो ही शुड एड्रेस डैड बाय हिज नेम। हाँ तो महेंद्र चल यार चलते हैं, हम लोग जाकर गरीबों पर कंबल डालते हैं। और ये बात का चर्चा कभी किसी अखबार में नहीं पढ़ा होगा आपने, कहीं भी नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में, ना डैड ने जिक्र किया ना अंकल ने जिक्र किया। तो वो लेकिन लोग भैया ने जैसे बताया था मम्मी, मुझे। हाँ जी मैंने उन्होंने बताया था आपको, हाँ जी, तो वो कंबल खरीद कर सुबह गाड़ी डिक्की में वो खुद गाड़ी चलाकर लाते थे और डैडी को लेकर कंबल वगैरह डाल दिए पिछली सीटों पर। तो महालक्ष्मी मंदिर के बाहर और हाजी अली बाबा का जो वहां दरगाह है वहां पर बाहर बहुत से गरीब थे और सर्दी के दिन हाँ में ऐसे वो चुकड़ के सोते थे। तो दोनों ने जाकर सब पर कंबल डालना, उनको मालूम भी ना पड़ना कि कौन उन पर कंबल डाल गया है, क्या हो गया। इस तरह कितने दान ऐसा हाँ होना चाहिए जो ये हाथ दे तो ये हाथ को हाँ मालूम ना पड़े कि उन्होंने दान किया। बहुत बड़ी बात। हाँ ये जी, हाँ सब जी ये उदार 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 दिल के लोग थे, और जी 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 मुझे वही आश्चर्य था जो आप बता रहे कि आपस में एक समय में किशोरदा रफी साहब, मन्ना जी डे जी साहब, बहन कपूर साहब, मुकेश जी, सब एक एक समय के स्वर थे, और इनका आपस में उस तरह का एक अपनापा और एक पारिवारिकता जी बहुत रही थी। बहुत बहुत सुनील जी, इतना मान था सम्मान था एक दूसरे के लिए, और सही में रिस्पेक्ट थी, मतलब ऐसा नहीं कोई दिखावा नहीं। मुकेश जी ने मेरे एक डिस्टेंट कजन है, उनके कॉलेज में फंक्शन था तो उनको जी लगा भाई महेंद्र कपूर जी तो इनके चाचा हैं तो वो तो आ जाएंगे जी फंक्शन पे। तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि महेंद्र कपूर जी आ रहे हैं फंक्शन पर। अब हुआ यूं कि डैडी का शो था कलकत्ता में, तो डैडी ने बोला हाँ कि मैं तो आ नहीं सकूंगा, तो मेरा तो शो कमिटेड है ऑलरेडी। तो उन्होंने कहा रही तो हम तो हाँ मर जाएंगे, हमने तो अनाउंसमेंट कर दिया है। तो डैड हाँ ने फिर उनको उनको मालूम था कि रास्ता था, मुकेश अंकल को फोन किया कि पापा जी आपको मेरी जगह जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि महेंद्र का ऐसे ऐसे अचानक प्रॉब्लम आ गई तो मुझे आना पड़ा। तो लोग तो बहुत खुश होंगे भी कि मुकेश जी आए हैं, और वाकई ऐसा हुआ। और वहां पर जी बहुत बहुत एंजॉय किया लोगों ने, परफॉर्म बहुत आला दर्जे का किया मुकेश जी ने। फिर उसके बाद डैडी ने उसे कहा था कि भाई जब उनकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी तो एक आप कॉलेज वाले स्टूडेंट से कोई कमर्शियल तो कोई बात है नहीं, लेकिन जो भी आप नजराना देना चाहते हैं प्यार से जाकर पापा जी को अलग से दे देना। तो उन्होंने जाकर बोला बोला आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि मुझे पैसे ऑफर करो। बोला नहीं 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 आप गलत मत समझिए, ये बस एक छोटा, नहीं 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 कहता मैं महेंद्र से ले लूंगा, मैं फोन करके ले लूंगा। चलो ठीक है, बात हो गई। तो अगले दिन डैड ने फोन किया उनको कि पापा जी आपने कमाल है, बच्चे दे रहे थे आपने लिया नहीं। कहते हैं यार महेंद्र एक काम करते हैं, अगर तुम नितिन के लिए जाओगे और पैसे ले लोगे तो फिर तुम मुझे पैसे भेज दो घर पे। अब डैड के क्या पास बात, जवाब ही नहीं था। डैड ने कहा ओहो, पापा जी आपने ऐसी बात कही कि मेरे पास जवाब नहीं, ना मैंने कभी नितिन बेटा के लिए कभी पैसे मांगने हैं ना लेने हैं। तो वो ऐसे इस किस्म के इंसान थे वो लोग, और इतना मान सम्मान, और वैसे ही मन्ना दा, वैसे ही किशोर दा, सब ये बहुत प्यारे इंसान थे सब। जी 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 सही बात है भैया। ये जिज्ञासा है, जैसे कि वो महेंद्र कपूर जी का एक आरंभिक शुरू से एसोसिएशन, जाहिर है कि वो रिश्ते निभाते थे, तभी रिश्ता निपटा भी था, हाँ जी यश चोपड़ा जी से, बी आर चोपड़ा जी से, या मनोज कुमार जी से आरंभ से रहा, शुरू से, जब से जी उन जी जी लोगों ने शुरुआत की। तो जी इसकी क्या खूबी थी, मतलब कैसे ये जुड़े आपस में? भैया जो सबसे पहले BR फिल्म्स में डैड को ले जी जाने जी वाले यश जी थे, यश चोपड़ा जी थे, अच्छा, और सोनी महिवाल फिल्म जिसमें नौशाद साहब की म्यूजिक थी जी वो गाना था चांद छुपा और तारे डूबे रात गजब की आई, बड़ा हाँ, खूबसूरत गाना था, 6 अंतरे का बड़ा लंबा गाना था। हुस्न हाँ जी, चला है इश्क से इश्ते मिलने, मिलने जुल्म जुल्म की की बदली बदली छाए। से, क्या बात। तो इस गाने की रिकॉर्डिंग बस हुई थी और वो गाना ट्रांसफर हो रहा था स्टूडियो में, और वहां जी यश जी गए थे उस स्टूडियो को बुक करने के लिए। तो रिकॉर्डिस्ट जो थे कौशिक अंकल, उन्होंने यश जी को बिठा लिया अपने साथ और बोला यश ये आवाज सुनो और बताओ ये कौन है। तो अब डैड की मेरा ख्याल शुरू कैरियर का सेकेंड सॉन्ग था जो उन्होंने गाया था, पहले तो उन्होंने नवरंग में गाया था आशा जी के साथ आधा चंद्रमा, और ये सेकेंड गाना आधा था। लेकिन ये बड़ा चैलेंजिंग गाना था क्योंकि इतनी हाई पिच, मेरा ख्याल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कभी इतना हाई पिच गाना ना हुआ है ना हो सकता है। बहुत जी एक्चुअली बाजे के एंड तक लास्ट नोट जाकर क्लाइमेक्स था उसका,
और तालियां बजती थी फिल्म में, इतना लाजवाब गाना था। तो पहले तो उसे शक हुआ कि रफी साहब ने गाया, बिकॉज उस जमाने में रफी साहब की ऐसी अब पहाड़ी आवाज थी। तो हाँ उसने कहा हाँ नहीं, कहते लेकिन ये तो बड़ा जवान सिंगर है यार, तो ये अगर रफी साहब नहीं है तो फिर ये कौन है, बोला तुम सोचो। तो कहते मैं तुम्हें बताता हूँ, एक नया लड़का है, इसका नाम है महेंद्र कपूर। और तो कहते ये कहाँ से मिलेगा मुझे, कहते तुम्हें क्यों जरूरत है उसकी, कहते मैं एक नई फिल्म शुरू कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये लड़का, ये हीरो की आवाज इसकी हो। तो उन्होंने उनसे नंबर लिया डैडी का, और जाकर अपने भाई से कहा, बी आर चोपड़ा जी से, जिनके प्रोडक्शन में वो काम करते थे, तो कि बाबा जी ऐसे ऐसे नया लड़का मिला है मुझे, अब मैं इसको काम देने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा जरूर, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो जरूर काम दो। तो उन्होंने डैडी को बुलाया वहां पर, और फिर धूल का फूल फिल्म के लिए, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ वगैरह जो खूबसूरत गाने थे, वफा हाँ, वफा कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ, तो वहां से फिर बी आर फिल्म में डैडी की पहली शुरुआत हुई थी। फिर उसके बिल्कुल बाद हमराज सुपरहिट हो गई, फिर गुमराह सुपरहिट हो, उससे भी बड़ी है, सॉरी पहले गुमराह ही फिर हमराज आई। सो ऐसे एक, और फिर वो ऐसा हो गया था कि एक परिवार जैसा हो जाता, सुनील जी जैसे ये लोग थे ना, अब वैसे ही यश जी, बी आर चोपड़ा जी, आप उनको बिहाइंड, मतलब आप काम के अलावा आप घर पे उनसे हाँ मिले तो आप कभी जांच ही नहीं पाएंगे कि इतने बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर, इतने सरल लोग, इतने प्यार वाले लोग, और डैड से बहुत प्यार करते थे ये लोग। तो शायद आई थिंक इट वॉज रेसिप्रोकल कि भाई दोनों का आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए। चोपड़ा साहब का हमारे घर पे लगातार आना, पूरी फैमिली का, उनकी बेटियां, उनके बेटे, ऐसे ही मनोज अंकल का था, मनोज अंकल, बॉबी, रिकी, शशि आंटी, सब लोग, उनका आना जाना हमारे घर पे, हमारा जाना और उनका आना, एक जैसे आम बात थी, मतलब घर पे खाना, दावत होनी, उन्होंने आना या हमने जाना। तो ऐसे उनका रिश्ता जो था बहुत बहुत एक बहुत ही पारिवारिक हो गया था जी। मुझे अपनी छोटी उम्र में सत्यकाम फिल्म का वो गाना याद है, उसमें उनका स्वर था, जैसे मुकेश जी के साथ ही गाया था उन्होंने, जो बस में होता है गाना, तो फिर वो बस में एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ जी आदमी है क्या, बोलो आदमी है क्या, हाँ जी, आदमी है, आदमी लाइट, है लट्टू। हाँ जी, कॉमेडी टाइप का हाँ, उसमें खूब वो पंजाबी स्वर, भांगड़ा का पूरा रिदम, वो सब था गाना उसमें। था। एक जी बात तो है कि हाँ जी पंजाब की मिट्टी में ये खासियत है, मतलब वहां जितना बड़ा दिल होता है सबका, उतना कहीं नहीं। सही बात है जी, सही बात। और और शायद उस जमाने में, हाँ जी वही उदारता लेके बी आर चोपड़ा साहब भी आए, वही उदारता लेके पापा जी आए, जी, मनोज जी भी सब वहीं से, पंजाब से था। यस यस यस, रामानंद सागर साहब उस जमाने में बहुत, दारा सिंह जी, फिर हाँ राज कपूर जी, राज हाँ कपूर जी पंजाबी, दिलीप कुमार जी वो हाँ दिलीप कुमार पेशावर जी, के थे लेकिन पंजाबी, पूरे वो बोलते ही पंजाबी थे। बिहाइंड द हाँ कैमरा आप यूसुफ साहब से, यूसुफ अंकल से बात करो, वो की हाल हाँ है यार काका, सब ठीक ठाक, सब वो बात ही नेचुरली पंजाबी, पंजाबी में ही बात करते थे हमेशा। हाँ ये पंजाब की मिट्टी की खासियत है। और जी इधर मतलब यश जी ने भी, या बी आर चोपड़ा साहब ने भी, मनोज कुमार जी ने भी जो फिल्में बनाई, हाँ जी उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पंजाब की मिट्टी, संस्कृति, महक, सरसों के फूल, जी लोहड़ी, पर्व, हमेशा भांगड़ा, जी जी उत्साह, ये जी हमेशा देखा गया। जी जी बिल्कुल और बिल्कुल मैं बल्कि आज आज मैं कहीं गाड़ी से जा रहा था तो मुझे काला पत्थर का वो गाना याद आ गया, पापा हाँ जी का हाँ बज रहा था उसमें, वो इश्क ओ और मुश्क कर देना चुकी है, क्या हाँ, क्या गाना है, मैं क्या रोमांचित गाना हो गया। था, क्या गाना था, क्या गाना था। मैं था उस रिकॉर्डिंग में, वो अच्छा एचएमवी अच्छा ने एक नया स्टूडियो खोला था कफ परेड में, न्यू एचएमवी से बुलाते थे, और वन ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्डिंग्स जो वहां पर हुई थी, एंड जी हेयर जी रेजिंग वॉइस, बिकॉज शुरू में जो आलाप था डैडी का, इश्क और मुश्क, जगिया जगिया हाँ, गाना जगह जगह था, हाँ, तो तौबा तौबा तौबा, उसकी एक एक बहुत लाइन बहुत, में हाँ आज के जीवन की सीख है, हर इंसान के लिए सबक है उसमें। जी 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 वो पूरे पंजाबी बोल है, मैं उसको सुनता चला जा रहा था और ये फील हाँ कर रहा था कि इसमें कितने कितने गहरे मैसेज है कि बहुत बहुत कह रहे हो जी, आप कैसे जीवन बहुत में रहो, कैसे इंसान बन के रहो। लोग दूसरों दूसरों के तो दुर्गुण देखते ही हैं, अपने को जी देखो। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है। ये सीख तो इन लोगों की
खास करके जो पुराने सुलझे हुए लोग थे, जिनका लिटरेचर से बहुत लगाव था, जिनका जिंदगी से बहुत लगाव रहा, ये तो उनकी एक एक आई थिंक उनके स्वभाव में ही ये बात थी कि वो ज्यादातर, हाँ, बिकॉज हमने जैसे सरसरी तौर पे डैडी के साथ बैठना, तो कभी किसी की निंदा सुनी ही नहीं हम लोगों ने, कभी उनको ये सुनते हुए नहीं बोला। कई कोई इंसान, कोई साधारण आया, कोई कई कई लोग आते थे घर पे कि पापा जी हमको शौक है, हम सुन गाना चाहते हैं, भाई सुनाओ, दो लाइनें सुनाओ। तो उन्होंने कैसा भी गाना, सपोज के बहुत बहुत ही साधारण गाया, तो भी बोला कि बेटा रियाज करो, मेहनत करो, ये करो, वो करो। उन्होंने कभी बोला नहीं, छी 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 छी, अरे यार, बोलना कि नहीं नहीं यार, या कभी उसके पीठ के पीछे भी, कभी नहीं, उनके उनके स्वभाव में ही नहीं था। बल्कि स्टेज पर जितना, जितने आर्टिस्टों को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, शायद ही किसी ने किया होगा। जैसे वो आदेश, अभी बेचारे नहीं रहे हमारे बीच में, जो वो हमारे ड्रमर थे, आदेश श्रीवास्तव हमारे साथ सबसे पहले उसने टूर किया था, आदेश ने, तो हम दोनों बच्चे थे और हम दोनों परफॉर्म कर, ही वॉज अ ड्रमर, फंटास्टिक ड्रमर, तो सबसे पहला जो उसका टूर लाइफ में हुआ वो डैड के साथ हुआ। तो उसने कहीं गलती से डैड को बोल दिया कि अंकल मुझे गाने का भी शौक है पापा जी। फिर तो बोला, अच्छा आदेश, तो आओ तुम मेरे शो में गाना गा। नहीं, नहीं, तो मैं गाने गा नहीं, नहीं तुम मुझे सुनाओ कैसे गाते हो तुम। तो फिर उससे भी दो चार लाइने का, मतलब उससे भी गाना गवा लिया। सबकी हिम्मत जो थी ना वो बढ़ाते थे, उनका ये था कि नहीं, उसे शौक था, उसका उसकी हिम्मत बढ़ाई जाए। तो वो उनका एक 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 उनमें वो था इस बात का। और निडर थे स्टेज पर, उनको मालूम था कि ही वॉज किंग ऑन स्टेज, ही वॉज टू गुड ऑन स्टेज। फिर आपका बचपन किस तरह से परवान चढ़ा? आपको कब लगा कि आपके पिता इतने बड़े कलाकार हैं, इतने महान गायक हैं? भैया सही पूछो तो बड़े टास्क मास्टर थे वो, सच पूछो तो बड़े अच्छे इंसान, बड़े वो थे, लेकिन साथ ही हिज एक्सपेक्टेशंस वर आल्सो लाइक दैट, कि आपने अदब में रहना है, आपने ये कभी एहसास नहीं दिलाना किसी को कि तुम किसके बेटे हो, और मेरे नाम का लेबल लेकर मत घूमना कि तुम इसके बेटे हो, तुम जो करोगे वो तुम्हारा अचीवमेंट है। किसी का बेटा होना कुछ अचीवमेंट नहीं होती है, वो तो परवरदिगार का एक वो रसूल, वो क्या एक दस्तूर है, वो हो जाता, बट तुम क्या अचीव करते हो इज योर दिस थिंग। तो कभी तो हम लोगों ने तो बचपन में कभी देखा ही नहीं कि, बल्कि फिल्मी पार्टीज भी अगर घर पे हुआ करती थी तो हमें वर्जित था कि हम वहां आ ही नहीं सकते थे, हमें रूम में मम्मी सुला देती थी, और उस दिन तो कुछ ज्यादा ही जल्दी सुला देती थी, और हमें कहती कि रूम में रहो, टीवी तो था नहीं उस जमाने में, और कहीं रेडियो वेडियो चालू किया, थोड़े गाने वाने सुने, और फिर उसके बाद हम लोग सो गए, और जो पार्टी थी उसमें हम लोग को शामिल होने की वो नहीं थी। मेरी सबसे पहली फिल्म जो उन्होंने मुझे दिखाई जिंदगी में वो थी हाथी मेरे साथी, उनके अच्छा, वाह, क्या राजेश खन्ना जी की। तो उन्होंने क्या कहा इस बात फिल्म में सब बच्चे जाएंगे, बिकॉज बच्चों की फिल्म है वो, है! हाँ हाँ तो का पारिवारिक फिल्म है, खुद भी आए थिएटर में, मेरी माँ ही, हम सब बच्चे, भाई बहन, मेरी तीन बहनें हैं, हम सब लोग साथ में गए। और पहली पारिवारिक फिल्म जो मैंने देखी थिएटर में वो थी हाथी मेरे साथी। तो बड़े बड़े डिसिप्लिन, बहुत बहुत प्यार वाले, लेकिन बड़े मतलब अखलाक के साथ, बहुत तहजीब और अदब के साथ रहते भी थे और पसंद भी करते थे। पसंद भी ये तो करते थे था। आप उनके साथ रिकॉर्डिंग्स बजाते थे? बहुत अच्छा बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग्स में मैंने अनगिनत भी रिकॉर्डिंग्स देखी है, बिकॉज मुझे शौक भी था, उनको मालूम है, चाहे मैं गाता बहुत जल्दी से, एक मैंने गाना शुरू किया लेकिन उतनी जल्दी उम्र में नहीं जितनी मैंने रिकॉर्डिंग्स अटेंड की। मैंने लता आंटी के साथ बहुत रिकॉर्डिंग अटेंड की, डैड की, आशा आंटी के साथ, किशोर अंकल के साथ, और सब सबके साथ, मतलब जितनी भी, जब तक मैं इंडस्ट्री में आया तब तक मेरे लिए ऑलरेडी एक परिवार की तरह मैं जुड़ चुका था उन सबके साथ, कल्याण जी, अनंत जी की, लक्ष्मी प्यारे, आर डी बर्मन, ये सब, हाँ सब, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रवि रवि संगीतकार रवि के जी, हिसाब से रवि जी तो उनके बिल्कुल ही बारे, फैमिली थे। हाँ उनके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि उनका पापा के साथ बड़ा एसोसिएशन रहा हमेशा लंबा, जी, रवि जी का। रवि जी का बहुत एसोसिएशन रहा डैड के साथ, और रवि जी की जो खूबी, जो मैं समझाऊं और जो पहले मुझे समझाते थे डैड, कि उनके कॉम्पोजिशन में इतनी सरलता थी,
जी कि वो जी सीधी आकर जाकर आपके दिल में ही जगह लगती थी, आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी उनके गानों के लिए, सीधी जाकर दिल में अपनी जगह बना लेती थी उनकी कॉम्पोजिशंस। बहुत सरल कॉम्पोजिशन जो कि बहुत हाँ मुश्किल काम है। आप जी जी मुश्किल काम अपने एक मैथमेटिकल क्या उसे बोल सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा काम कीजिए जो एक आम आदमी भी समझ सके और उसे इतना एंजॉय करे कि उसके जिंदगी का वो गुनगुनाना शुरू करे, उसका हिस्सा बन जाए, वो बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। और वो उसमें रवि जी माहिर थे। रवि जी बहुत अच्छे कंपोजर थे, बहुत रूहानी इंसान भी, बहुत प्यारे, बहुत सिंपल। उन्होंने बहुत वक्त गुजारा डैडी के साथ, और उनकी डैड बोला करते थे, मैंने जो एक दो उनके साथ सिटिंग्स अटेंड की थी, फिल्मी सिटिंग्स, के ही वाज ऑलवेज ओपन टू सजेशन। कि जैसे अभी गाना था उनका, ना मुंह छुपा के जियो ना सर झुका के जियो, जी अब इसकी रिकॉर्डिंग, तो इसकी रिहर्सल शुरू हो गई, चोपड़ा साहब बैठे हुए थे, यश जी सब लोग थे। तो जब उन्होंने गाना सीखा डैडी ने, तो जी डैडी ने पूछा पापा जी को, डीआर चोपड़ा जी को, कि पापा जी कि मैं किसके लिए गा रहा हूँ, व्हाट एम आई सिंगिंग फॉर, मतलब सिचुएशन समझाइए, कुछ बताइए मुझे इस गाने के बारे में। तो उन्होंने बोला बेटा जी आर्मी का ऑफिसर है, वो गा रहा है, वो इंस्पिरेशनल सॉन्ग है, ये है वो है। तो कहा इसके बीच में हमें आलाप रखने चाहिए, स्टडी नोट्स रखने चाहिए। तो फिर रवि जी ने पूछा कैसे महेंद्र जी, तो डैड ने सोच के फिर वो जो हर जगह पर बहुत लंबा, क्या खड़े रहे, हाँ वो सब डैड की कॉन्ट्रीब्यूशन थी। तो बात। बहुत से कंपोजर जो थे वो लोग थोड़ा हिचकिचाते थे, नहीं यार ये कहीं हम छोटे तो नहीं बन रहे प्रोड्यूसर के सामने, लेकिन रवि जी में ऐसा नहीं था। रवि जी नहीं, अरे क्या बात है महेंद्र भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आप ऐसे ही लीजिए, आप ऐसा ऐसे कहिए, बहुत मजा आ रहा है। तो बहुत इंस्पिर, बहुत इनकरेज करते थे वो, और डैड को बड़ी छूट देते कि आप जैसे अपनी स्टाइल में इसको गाइए और इसको खुला गाइए। और बहुत आर्मी वालों का गाना था, तो जाहिर ही बात है, एक वो दम छाटी और वो बोलते वीर रस। हाँ हाँ वही लगना चाहिए जोश। हाँ सॉरी करके वो मैं बहुत लंबा। हाँ नहीं ये तो मैं जारी रहेगा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। ना मुंह छुपा के जी, बहुत लंबा हाँ आलाप था उसमें। जी हाँ जी आपके मन में इस समय कुछ उनको याद करते हो सुनाने की इच्छा है कोई गीत उनका? आप जो कहेंगे, आप जो कहेंगे। एक अभी हमारे मित्र हैं सुमन डूंगा दिल्ली से, वो स्पिक मैके की अध्यक्ष है वहां पर, और पूरे देश में जो एक सांस्कृतिक अनुष्ठान स्पिक मैके चलाता है देश भर के कलाकारों के साथ, क्या उन्होंने बात लिखा है कि आपके पिता मेरे बहुत मैं उनकी बड़ी प्रशंसक रही हूँ, जी, और नीले गगन के तले मुझे बहुत प्रिय गाना लगता है, हाँ तो क्या बात है। उनके लिए गाती है तो फिर। उनके जरूर जरूर, क्या नाम बताया आपने, सुमन डूंगा जी है सुमन जी के लिए। हाँ जी। से हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, बल खाती बेले मस्ती में खेले, बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। थैंक क्या बात है, बहुत अच्छा। यू, थैंक यू सर। हम लोग बात कर रहे थे इसी गाने को लेकर, शायद कल परसों हमारी बात हो रही थी। इस जी जी गाने में मैं प्रकृति को की वंदना देखता हूँ, प्रकृति के सही बात, प्रति वाह वाह वाह, एक तरह का प्रणाम वाला भाव, कि हमारे हमारी जो धरा है, जो पहाड़ है, नदियां हैं, आकाश जी है, जी ये कितनी महान धरती है हिंदुस्तान की, जहाँ पर बिल्कुल पवित्र नदी है, महान आसमान है, जी जी कोई शक नहीं इसमें, पौराणिक कोई शक पर्वत नहीं, है, वाह वाह और वाह वाह, यहाँ और ये इसके दो दो लाइन के अंतर है। ये गाना भी बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। नदिया का पानी,
दरिया से हाँ मिलके एक सागर की ओर चले। हाँ फिर नीले गगन के तले, दो हाँ नीलेंगे दो तले। हाँ लाइन के अंतर है, बड़ा दिलचस्प गाना है, मुझे बहुत पसंद बहुत दिलचस्प गाना है, बहुत सुंदर गाना। और हमारे साहिर साहब क्या मास्टर हाँ राइटर थे। साहिर उनकी तो सिर्फ साहब मास्टर जैसे थी। राइटर सदियों में एक पैदा होता है, सदियों में एक पैदा होता है। बिल्कुल हमारी बिल्कुल इंडस्ट्री में राइटर्स बहुत अच्छे अच्छे आए, बहुत उस दौर में 50s 60s में तो लाजवाब राइटर्स आए, हाँ लेकिन उनमें भी साहिर साहब जो थे ना वो सबसे आदरणीय थे, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट जो थी वो साहिर साहब की थी, मैं भी बहुत उनका बहुत रिस्पेक्ट। प्रशंसक हूँ सर, साहिर जी 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 साहब का। जी जी मुझे जी लगता है कि गाने लिखे जाए तो उनकी तरह लिखे जाए, गीत रचना बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल कितने सही बात। सारे प्रभाव के साथ, कितने सारे शेड्स के साथ जी सर वो लिखते थे, चाहे वो जी सर रोमांटिक गाना हो, चाहे देशभक्ति जी सर से जुड़ा हो, चाहे जो बिल्कुल दिल को छू लेने वाला गाना। मैं वो जी जी आंखें फिल्म का, रामानंद सागर जी की जो फिल्म आंखें, उसका जो टाइटल सॉन्ग है, हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें, हाँ 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 आंखों आंखों को लेकर कितनी सारी उपमाएं दी हैं। आंखों से बड़ी यस कोई यस तराजू नहीं होती, बिल्कुल सर बिल्कुल अनजान है हम तुम अगर अनजान है आंखें। बिल्कुल सर। उनका गाना था एक मैं कमिंग बैक टू डैड, जी उनकी फिल्म थी धुंध, चोपड़ा साहब की, हाँ दो रवि जी का ही, संसार रवि जी की म्यूजिक थी, रवि अंकल की, और साहिर साहब ने की लिखा हर था। शे, संसार क्या की हर गाना शय था का आप ही बताएं सर। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, फसाना, एक एक धुंध से धुंध आना है, एक धुंध में जाना है, धुंध में जाना एक पल की हर। पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, हाँ एक पल के झपकने तक हर खेल हाँ बोलो सुहाना है, संसार बोलो की हर बोलो, शय का इतना। क्या क्या बात क्या क्या हो, बहुत अच्छे राइटर थे, बहुत लाजवाब राइटर। फिर नौशाद साहब के साथ डैडी ने एक गाना नौशाद साहब का, फिर जैसे डैड का करियर बढ़ा, नौशाद साहब का धीरे धीरे कम होना शुरू गया था फिल्मों में दखल देना, तो जी। उन्होंने डैड से कहा कि महेंद्र बड़ा दिल करता है यार कि हम दोनों साथ में काम करें, तो कुछ करो ताकि हम साथ में काम करें। तो डैड ने फिर मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पर बात की, तो उन्होंने कहा कि आप महेंद्र जी गजलें कीजिए दूरदर्शन के लिए, जो कि पूरी पूरे हिंदुस्तान देखे, ताकि हमें मजा आए कि आपने किया। तो नौशाद अंकल ने कंपोज किए गाने, और फिर उन्होंने साहिर साहब की कुछ गजलें चुनी उसमें, एक तो हाँ नौशाद हाँ अंकल की खुद की लिखी हुई थी, और एक साहिर, दो तीन साहिर साहब की थी, और ऐसे चंद कवियों की थी। तो एक इतना खूबसूरत उसमें एक गजल थी, सॉरी, जी मैंने जो गीत तेरे प्यार की खातिर लिखे, एक कवि कहता है, मैंने अपनी प्रेमिका से कि मैंने जो गीत तेरे प्यार की खातिर लिखे, आज उन गीतों को बाजार में ले आया हूं। क्या बात, हाँ, वो अपने पूरे पूरे जो कविता है, वो पूरी जो गजल है, वो ये है कि वो कि मैं अब मेरा इम्तिहान है कि जो तेरे प्रति कितना प्यार था, उसका कितना अच्छा मूल लगाते हैं लोग, वो क्या मूल लगाएंगे हमारे प्यार का। अब चांदी के तराजू में तुलेगी हर चीज, मेरे जज्बात, मेरे अशफाक, मेरे शायरी, मेरा क्या मतलब, सोच क्या थी साहिर साहब की, बहुत उच्च सोच थी, बहुत लाजवाब सोच थी साहिर साहब की। एक पापा जी और मनोज कुमार साहब के एसोसिएशन को लेकर भी कुछ बात कीजिए भैया। पापा जी का, मनोज जी का भी एक बोलते हैं ना, एक खुदाई, एक भगवान का दिया हुआ एसोसिएशन था। सबसे पहले डैड को बुलाया था मनोज अंकल ने शहीद फिल्म के लिए, जब उन्होंने उनके लिए गाया, वैसे रोमांटिक गाने तो बहुत गा चुके थे उनके लिए, लेकिन जब उनकी अपनी जिसमें जिस फिल्म में उनका अपना कंट्रीब्यूशन था, हालांकि उनका नाम नहीं आता एज ए डायरेक्टर, लेकिन काम पूरा, बिकॉज ही वॉज अ जीनियस इन हिस्ट्री एंड पेट्रियोटिज्म और देशभक्ति में, मनोज अंकल से बिल्कुल बेहतर शायद ही इंडस्ट्री में कोई इंसान होगा। तो उन्होंने डैडी को बुलाया, रंग दे बसंती चोला जो गाना था उनका, गवाने के लिए, तो इतने खुश हुए उस गाने के बाद। तो डैड को बोलते हैं, जब डैड स्टूडियो छोड़कर जा रहे थे, कि डैड का हाथ पकड़ के, महेंद्र जी मेरी अपनी प्रोडक्शन मैं शुरू कर रहा हूँ, और मेरी पहली डायरेक्शन एज ए डायरेक्टर फिल्म होगी इंडिविजुअल, और मैं आपसे एक बहुत बढ़िया गाना गवाऊंगा, उसमें पेट्रियोटिक मेरे मन में है, मुझे मालूम नहीं कि क्या है, मैं क्या गवाऊंगा आपको, मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन मैं आपसे, मेरे मेरे मुझे ऐसा एक कल्पना है कि मैं आपसे बहुत बेहतरीन गाने, और मैं आपसे ही गवाने वाला हूँ, मुझे आपकी आवाज बहुत पसंद है।
तो डायरेक्टिंग का शुक्रिया शुक्रिया। ऑलरेडी नामचीन एक्टर तो थे ही वो, ही वॉज अ पॉपुलर एक्टर दैट टाइम। जी तो कहा कि मैं, डैड ने कहा यार दिल ही दिल में मैंने सोचा है तो फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ भूल जाते हैं लोग, दो रात गई बात गई वाली बात हो जाएगी। तो डैड चुप, मतलब सोचते रहे कब, चलो ठीक है देखेंगे। कुछ महीने बीत गए, दिन फोन जी आया मनोज जी का कि महेंद्र जी आपको याद है मैं मनोज कुमार। डैडी का हाँ हाँ मनोज जी बोली ना क्या, कहते आप आएंगे मुझे मिलने, मैं आपसे डिस्कस करना है कुछ, तो फिर मैं आ जाता हूँ। तो कहाँ आना है? तो डैडी का मेरी सुबह रिहर्सल है जू में, तो मैं आ जाता हूँ वहां पर, बड़ा दिलचस्प किस्सा है। तो हाँ डैड ने कहा फिर मैं आपको मिलकर फिर चले जाऊंगा रिहर्सल पे, तो मैं सुबह थोड़ा जल्दी आ जाऊं चलेगा? कहा हाँ हाँ आप आ जाइए ना। तो डैड ने कहा मैं 9 बजे सुबह आपके घर पे पहुंच जाऊंगा। तो सुबह 9 बजे डैड पहुंचे, तो डैडी 2 घंटियां बजाई तो ये आंख ऐसे मिटता हुआ है इसने दरवाजा, अरे अरे महेंद्र जी नमस्ते नमस्ते आओ आओ अंदर। तो दो लोग सोए हुए थे ऐसे कंबल ओढ़े हुए, तो एक को उन्होंने उठाया, ओए उठ 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 देख कौन आया देख कौन आया। तो उसने भी अपनी आंख ऐसे करते हुए कौन आया यार, कहते महेंद्र कपूर जी आए। ओ नमस्ते नमस्ते सत श्री अकाल सत श्री अकाल। वो जो लेटे हुए थे, सब लोग हॉलरूम में लेटे हुए थे जमीन पर, दूसरे थे धर्म जी। क्या बात है हाँ धर्म अरे जी थे और वाह वाह तीसरे एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, मुझे नाम नहीं याद। वो तीनों जो थे दोस्त थे, अब तीनों साथ हाँ में वो भाड़े के घर में सो रहे थे, तो एक साथ उस रहते जमाने थे। एक साथ रहते थे। और तो उसने मनोज जी ने डिस्कस किया कि मैं ऐसे ऐसे शुरू कर रहा हूँ। तो डैनी का फिर कल्याण जी अनंत जी आपके साथ पूरा जस्टिस करेंगे, बिकॉज कल्याण जी भाई और अनंत जी भाई का ये बहुत खूबी थी कि बड़ा दिल लगाकर बहुत कॉन्ट्रीब्यूटिव काम करते थे कल्याण जी अनंत जी हमेशा हर काम में। तो डैनी का अगर आप बात करेंगे तो मैं बात करता हूँ, बोला हाँ हाँ बात कीजिए और हम उनके साथ ही काम करेंगे। तो कल्याण जी अनंत जी उनका हिस्सा बने, गुलशन बावरा जी ने लिखे लिरिक्स, और सबसे पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ वो हुआ मेरी देश की धरती। मेरे देश की धरती अद्भुत हाँ तब तक फिल्म अद्भुत थोड़ी सी बात। बन चुकी, थोड़ी बननी शुरू हो गई थी, हाँ मतलब जो नॉर्मल शूटिंग वगैरह थी। हाँ और फिर कुछ दिनों बाद, कुछ ऐसे कुछ दिन बीत गए, गाना वाना रिकॉर्ड हो गया, बड़ी तारीफ हुई, बहुत कुछ अच्छा हुआ। तो डैड एक पार्टी में, किसी पंजाबी एसोसिएशन के पार्टी में उनको बुलाया गया, तो बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा नहीं कि पीछे की तरफ प्राण जी बैठे हुए थे, एक्टर प्राण। हाँ तो प्राण जी ड्रिंक करते करते सबको सुना रहे थे, यार मैं कैसे डायरेक्टर के साथ काम करके आया हूं, बस ये आदमी जो है ना राज कपूर को जवाब दे सकेगा जिंदगी में। तो राज साहब इतने बड़े डायरेक्टर हैं कि उनके मुकाबले का शायद ही कोई डायरेक्टर आ सके। उस जमाने बहुत रिस्पेक्ट थी पापा जी के, राज साहब की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी। तो लोग मतलब एक जिसे बोलते हैं ना एक इंडेक्स सोच के कि उस ऊंचाई तक कौन पहुंच सकेगा। तो उन्होंने कहा भाई वो नया लड़का है और मैं उसका गाना, एक पेट्रियोटिक गाना शूट करके आया हूं अभी, आप देखना बच्चे बच्चे की जबान पर होगा। तो डैड सुन रहे थे लेकिन उन्हें मालूम नहीं था ये कौन बोल रहा है तो कहते हैं तो जब दोनों ने मुड़ के देखा तो प्राण जी थे, और उन्होंने देखो ये मिंदर तेरे ही बात कर रहा था मैं, तो उन्होंने पूरी बात सुनी। तो कहा कि उनकी तारीफ ऑलरेडी प्रोडक्शन के टाइम पर ही शुरू हो गई थी इस गाने की और लोगों के बीच में, कि भाई ये गाना वाकई रोंगटे खड़े कर देता है और लोगों को बहुत प्रोत्साहित कर देता है। तो शायद ये जज्बा जो मनोज अंकल में था पेट्रियोटिज्म का, और डैड को भी था, तो शायद वो बोलते हैं ना डैड को वीर रस का बहुत वो था, शौक था हमेशा तो, और उनकी आवाज बोलती है बाकी तो के हाँ हाँ नहीं जी वो तो हाँ है पूरा पश्चिम का वो गाना जो है हाँ प्रीत जहां की रीत सदा वो गिरी तो सदा उसको उसको भी जिस तरह शुरू होता है बहुत धीमे पिच से जब हाँ जब जीरो दिया जीरो दिया अरे वहां हाँ से गाना कैसे कैसे एकदम जैसे समुद्र में तूफान आता है ज्वार हाँ हाँ उस हाँ तरह से जाता है वो पूरा है जी प्रीत जी जी जहां जी की रीत सदा वो भी रोंगटे खड़े हो जाते एकदम पूरी देशभक्ति जागृत हो जाती है। हो। और क्या शूट किया, क्या पिक्चराइज किया गाना वो मनोज जी ने हाँ पूरा, वो उसमें जब सारे बोलते हैं चेहरे मदनपुरी प्राण कितने सारे हाँ मनोज कुमार सायरा बानो कितने सारे लोग जो विदेश में जाकर बस गए हैं उनके चेहरों में आंसू आ गए उस आवाज से उस सही गाने बात से है वो सही सीन बात है बड़ा स्ट्रांग है जब वो गाना पूरा होता है अपनी जी जहाँ की जी इज्जत ये है मदन उस जी समय पूछ रहे हैं सब ना कि क्या दिया तुम्हारे भारत ने,
बोलो तो तुम्हारा, और शुरू होते वही हैं, जब उसी का जीरो जवाब। दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, हाँ तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का का अंदाजा लगाना मुश्किल था, अंदाजा सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला चलता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। और वाकई हम भी मनोकामना करते हैं कि बढ़ता रहे और फूले फले। बढ़ता रहे भैया। हाँ इस समय इस कार्यक्रम में बहुत सारे आर्ट कल्चर से जुड़े हुए मेरे मित्र लोग अभिभूत है उन आपको सबका। देखकर। हाँ जी जी संगीता कुमार मूर्ति है, दिल्ली से है पंजाबी, फिर वो कुमार मूर्ति जी की पत्नी बनी, आगे चल के बहुत बड़ी पेंटर है, चित्रकार है। क्या बात है, नमस्कार सुमन जी का जी मैंने आपको परिचय दिया ही। जी 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 डॉक्टर अनिल चौबे हैं रायपुर से, वे फिल्म के विश्लेषक हैं, बहुत अच्छे सिनेमा को क्या लेके बात काफी उन्होंने अब बहुत पढ़ा लिखा और बहुत सारी हजारों फिल्में देखकर वो कुछ क्या सिनेमा पर बात अच्छे ओरेटर हैं, वक्ता भी हैं वो। क्या भोपाल बात से मेरे दोस्त हैं विनय उपाध्याय। इसके अलावा जेनी शबनम है दिल्ली से, कवित्री हैं, उनकी दो तीन किताबें आ चुकी हैं। वाह वाह, नमस्कार और जी, डॉक्टर डॉक्टर सुरुचि मोहता बम्बई से हैं, वो वाह वाह वाह, गाती हैं, गायिका हैं। बसंत भार्गव मेरे मित्र, अभी एकदम उनका नाम सामने फ्लैश हुआ, बहुत अच्छे चित्रकार हैं, पेंटर। तो क्या बात, इस समय गायक वादक हाँ नृत्य सभी विधा के अच्छे सीनियर और वरिष्ठ कलाकार इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और क्या अभिभूत बात, हैं आपको सुनकर, आपसे महेंद्र कपूर जी की बातें सुनकर। मेरा मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत सौभाग्यशाली हूं मैं कि इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ इनकी संगति मिलनी इतनी मुश्किल होती है, लेकिन आपके द्वारा इन सबको मिल लिया मुझे, मैंने तो मुझे बहुत खुशी है सुनील जी। और वाकई में मैं बचपन से डैड के साथ ऐसी ही सोहबत में रहा, और उसके कारण ही शायद ये जो बीज होता है, बोलते हैं ना उसको न्यूटर करना, उसे उसमें जो जो उसको उससे बड़ा करना, अगर जो पानी डालते हैं, जो ये है, इन लोगों का ख्याल, इन लोगों से प्रेरणा मिलती है, जो बढ़िया राइटर्स होते हैं, बढ़िया पेंटर्स होते हैं, बढ़िया संगीतकार होते हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा, मैं क्या गिनूंगा कि आज ये सब सुन रहे हैं। और कोई भूल हो जाए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे क्षमा करना, ये बड़ा इम्प्रोम्प्टू है, ना सुनील जी ने प्लान किया था ना मैंने प्लान किया था, आपने कहा और मैंने कर दिया, तो ये बिल्कुल ये दिली बात है, एक रूहानी बात है, ये इसमें कहीं आज कुछ सब कुछ दिल से निकला इसलिए दिल तक जा रहा है भैया। जी आपने जी जी देखो, ये एक सुंदरलाल मालवीय जी हैं, लोक गायक हैं, उज्जैन के बड़े सीनियर हैं, वो हाँ कह जी रहे हैं कि हमको वो सुनने की इच्छा है, दिल ही दिल में ले लिया दिल, हाँ मेहरबानी आपकी। दिल ही दिल में ले लिया दिल, मेहरबानी आपकी, दिल ही इस काबिल कहाँ है, हम तो इस काबिल न थे। हम तो इस काबिल कहाँ है, कदरदानी आपकी, दिल ही दिल में ले लिया दिल, मेहरबानी आपकी जी। हाँ इधर आपके अभिनय के तजुर्बे किस तरह रहे? लव 86, फासले तो बहुत सुंदर फिल्म थी। फासले में भाई साहब, मैंने सबसे पहला जब ऑडिशन दिया था, मैं एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मेरे सफर को मैं बहुत संक्षेप में बताता हूं, मैं बहुत छोटा था, एक हाँ कुछ शायद 14-15 साल का होऊंगा, मैं स्कूल मैंने खत्म किया और कॉलेज ज्वाइन करना था, तो उसके जी बीच जी पे एक वक्फा आता है कुछ 6 महीने का, तो मैंने हाँ जैसे आपसे कहा था कि मेरे फादर जो हैं बड़े डिसिप्लिनेरियन हैं, उनका
उन्हें व्यर्थ फालतू में ऐसे घूम रहे हैं, इससे बातें कोई पसंद थी नहीं। ही कुड नेवर टॉलरेट बिकॉज ही केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल होम हिमसेल्फ। वो खुद बड़े साधारण घर से आए थे और जो कुछ भी उन्होंने अचीव किया वो कड़ी परिश्रम के साथ उन्होंने अचीव किया था। तो जी 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 वो कर्म योगी थे और वो उसी बात को मानते थे। तो उन्होंने मुझे कहा, रोहन, एक्चुअली संजीव, मेरा असली नाम संजीव है, हाँ संजीव जी आपने अपना व्यर्थ टाइम ऐसे फालतू में मुझे देखना नहीं तुम्हें कभी घूमते हुए, तो मुझे बताओ कि ये जो 6 महीने है इसमें तुम क्या करना चाहते हो। तो न जाने क्यों मुझे फिल्मों का शौक था, तो मैंने कहा, डैड मुझे किसी को असिस्ट करना है। तो आप हंसेंगे, सबसे पहले मुझे ले गए, फिल्म सिलसिला की मुहूर्त थी, सर का मुहूर्त था, हाँ यश जी, यश जी का वहां पर, यश जी के वहां हाँ सेट के ऊपर यशोपुर तो पूजा थी, फर्स्ट डे का पूजा थी वहां पर। तो उन्होंने इनवाइट किया था, मैंने कहा चल मैं यश को बोलता हूँ, उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा तो शायद वो आपको नई फिल्म में असिस्टेंट रख लेंगे। तो यश जी ने बात गोल कर दी। अब उनको भी ये मालूम नहीं था कि इसी लड़के को मैंने हीरो लेना है। वो कहे, यार वो आप वहां जाइए पुणे इंस्टीट्यूट में, पहले बच्चे को तजुर्बा दीजिए संजीव, फिर देखना मैं तुम्हें असिस्टेंट बनाऊंगा वगैरह वगैरह। ऑलरेडी उनका ओवरलोडेड था। फिर उन्होंने मनोज जी से बात की, तो मैंने कहा मुझे तो एक्चुअली जो शौक है मनोज जी के साथ ज्वाइन करने का है। तो क्रांति मनोज, हाँ तो मनोज जी ने फटाफट मुझे बुला लिया और सबसे पहले दिन सुनील जी उन्होंने मेरे हाथ में झाड़ू दिया और अच्छा कहा कि बेटा ये सेट जो है पूरा साफ करो। तो हाँ मैंने भी एक एक बार आंख नहीं झपकी, मैंने कहा जी जरूर। तो मैंने झाड़ू लिया और पूरे सेट को मारा। मुझे याद है उस दिन शशि कपूर जी और निरपोरा जी की शूटिंग थी, उनका सेट था, वो छोटा सा था एक झोपड़ा बना हुआ, लेकिन मैंने पूरा साफ कर दिया और पूरा अच्छी तरह डस्टिंग वस्टिंग करके। तो जब पैकअप हुआ तो मेरा माथा जुमा और मुझे कहा कि तुम अपनी जिंदगी में अपना नाम खुद कमाओगे। मैंने कहा क्यों बाबा जी, आप ऐसा क्या, आपने ऐसा क्या देखा। तो कहते हैं ये तुम्हारा इम्तिहान था। कहते मुझे जरूरत नहीं थी, यहाँ 100 आदमी है जो झाड़ू दे सकते थे, लेकिन मैंने देखना था कि तुम अपने पिता का वो लेबल लगाकर आए हो या तुम सीखने आए हो कुछ। तो मुझे क्या बहुत बात खुशी हुई। हाँ बस अब देखिए ऐसे लोग हैं, मनोज जी ने बहुत खुशी और बहुत प्रेरणा दी मुझे, बहुत उन्होंने प्यार दिया। फिर खैर उनके साथ 4 साल बिताए क्रांति में, और उसी जमाने में फिर मैंने, मुझे शौक चढ़ा, मैं कॉलेज भी करता रहा और क्रांति में, क्रांति की शूटिंग ज्यादातर रात को हुआ करती थी बिकॉज वो फिल्म की बनावट ऐसी थी, वो बड़ा वो शीश महल था और वो था, ज्यादातर शूटिंग हाँ शाम को और रात को हुआ करती थी। फिर उसके बाद मैंने थिएटर शुरू किया, शफी नामदार जी के साथ मैंने थिएटर, पृथ्वी थिएटर में, टाटा थिएटर में काम करना शुरू किया एज एन एक्टर, भैया मेरे वो बड़े प्रिय एक्टर थे शफी और नामदार जी। हाँ हाँ और मेरे को इस बात का तो बहुत दुख रहता है कि वो इतनी जल्दी चले गए। बहुत जल्दी चले गए, बहुत जल्दी चले गए उन्होंने बहुत। ये जो है जिंदगी, मैंने उनका धारावाहिक देखा था, फिर मैं उनकी हर फिल्म देखा करता था, चाहे उनका छोटा से छोटा रोल हो। अच्छा, तो मेरे गुरु थे वो, उन्होंने मुझे हाँ सिखाया, उन्होंने मुझे स्टेज पर खड़े होना, मुझे बात करना, डायलॉग का थ्रो, टाइमिंग, बिकॉज हम लोग सबसे पहला पहले मैंने प्ले किया था नीला कमरा, उसके उसमें सिर्फ दो कैरेक्टर्स थे, एक हेलना ल्यूक थी और एक मैं था, वो मेरी भाभी है अच्छा और मैं उसका देवर, मैं उनका देवर हूं। 3 एक्ट प्ले था, बहुत खूबसूरत प्ले था, बहुत उसकी प्रशंसा हुई। और फिर उन्होंने एक प्ले किया अदा, जिसमें मैं उनका बेटा बनता हूँ शफी भाई का, और ऐसे करके मैंने 3-4 प्लेज उनके साथ किए। तो उसी दौरान यश जी को मैंने अपनी शो रील दिखाई तो उनको पसंद आया, फिर उन्होंने ऑडिशन लिया मेरा यश जी ने, जी और तब डैड की तबीयत कुछ थोड़ी सी नासाज हो गई थी। तो मेरे मामा सर्जन है अमेरिका में, तो डैड डैड मॉम को ले गए थे अमेरिका अपने साथ कि यहां मैं टेस्टिंग कराऊंगा आपकी। तो डैडी हाँ वहां थे और यश जी और डैड बहुत दोस्त थे। तो यश जी ने कहा कि यार रोन, उन्होंने ही मुझे नाम दिया रोहन, उन्होंने कहा रोहन मैं डैड से ये कैसे बताऊं, और ये बात तुम मत बताना कि मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है, ये बात मैं उन्हें खुद बताना चाहता हूँ। मैंने कहा आप जैसे कहें पापा जी। तो उन्होंने मुझे याद है उनके बेडरूम में लाइटनिंग कॉल की, उस जमाने में ट्रंक कॉल किया करते थे, तो कॉल जोर से लाइटनिंग बोलना कॉल बुक पड़ता की। था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने अपने मामा जी का नंबर दिया, तो उन्होंने वहां किया, महेंद्र जी अरे मुबारक हो, मैंने आपके बेटे को, आपके बेटे को क्या, अपने बेटे को मैंने हीरो बना दिया इस फिल्म का, ऐसे करके उन्होंने शुरुआत की। फिर हम लोगों ने उसकी शूटिंग स्विट्जरलैंड में की, फिर कश्मीर में की, बॉम्बे में की, जयपुर में की, चंद जगहों पर उस फिल्म की शूटिंग की।
उसके बाद लव 86, ईमानदार, ईमानदार और फिर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फिर तो उसके बाद मैंने कुछ, मेरा मन भी हट गया और कुछ मेरे पेरेंट्स भी डर गए थे, बिकॉज 80s में जब, मिड 80s में जब ये दौर शुरू हुआ मेरा, जब मैंने काम करने का, साथ ही साथ अगर आपको याद हो कि वहां पर अंडरवर्ल्ड की बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस शुरू हो गई थी, हाँ बहुत ज्यादा तो मेरी कई माँ बहुत दुर्घटनाएं डरती हुई थी थी, उस समय। तो मेरी माँ बहुत डर गई थी, उन्होंने कहा देखो यार रोहन, तुमने अपना शौक पूरा कर लिया, बढ़िया से बढ़िया लोगों के साथ काम कर लिया, अब आलतू फालतू ऐसे नहीं करो बेटा, मैंने बहुत सी फिल्मों को बना कर दिया, बहुत सी फिल्मों को नकारना शुरू कर दिया, और मुझे म्यूजिक का शौक तो था ही बहुत ज्यादा, तो उसी जमाने में बहुत से ऑर्गेनाइजर्स आते डैडी के पास कि महेंद्र जी आपकी नाइट करनी है, लेकिन आपके बेटे को आप कहिए साथ में आए, क्या यूथ खुश हो जाती है, उस जमाने में यूथ का एक मैं रिप्रेजेंट करता था उनके साथ, तो इस तरह आप जो सोबर गाने का ही, और इसे डांस वाले गाने जो यूथ के गाने हैं आज, तो ऐसे ही, तो फादर एंड सन की जोड़ी में हम लोगों ने इतने शोज किए अनगिनत, और बहुत मजा आता था, डैड इतने इतने जोवियल, इतने हंसमुख थे, हम लोग शोज के बाद सब ऑर्गेनाइज, सब म्यूजिशियंस जो थे ना, सब बैठ जाते, सब वेट करते कि पापा जी आएंगे, और वो हर कोई ना कोई, उन्होंने दो चार ऐसे कैरेक्टर उन्होंने ऑब्जर्व कर लेने, और उन्होंने उसको उनकी इमिटेशन करनी वहां पर, और जो लोग हंसते थे वहां पर, और ये हकीकत है। अब हाल ही में मैं एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ, मेरी जॉनी लीवर जी से बात हुई, जॉनी और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, जॉनी लीवर में, तो मुझे कहते हैं रोन भाई मैं दुनिया को हंसाता हूँ, लेकिन तुम्हें मालूम है कौन हंसाता है मुझे, किसने हंसाया मुझे सबसे ज्यादा, मैंने किसने, कहते आपके पिताजी ने, तो मैंने क्या बात कर रहे यार, कहते मैं सही में कह रहा हूँ, कहते हम लोगों ने जब जब शोज किए तो मैं जिद पे अड़ता था कि पापा जी के साथ मैं गाड़ी में बैठूंगा, चाहे वो होटल से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल, या एक शहर से दूसरे शहर, तो मैं पापा जी के साथ बैठता था, और जो मैं हंसा हूं, जो मैंने एंजॉय किया, उनका स्पॉन्टेनिटी, उनका टाइमिंग, उनका, वो खुद बड़े अच्छे एक्टर थे, डैड डैड थिएटर के थे, ही वॉज एन एक्टर इन जेवियर्स, सेंट जेवियर्स अच्छा में, क्या हो। हाँ, और अरे विजयानंद जी डायरेक्टर थे एंड डैड हीरो थे, और बहुत से हाँ प्लेस किए उन्होंने, ड्रामास किए, वी शांताराम जी जी तो उनको फिल्म में बतौर हीरो लेना चाहते थे, तो लेकिन अच्छा फैमिली तब मानी नहीं, बोले नहीं 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 गाना हमारा ठीक है, एक्टिंग एक्टिंग नहीं करनी, वो हमारा काम नहीं तो भैया अर्जुन अर्जुन कपूर लिख रहे हैं अमेजिंग टू हियर दिस वंडरफुल। कुछ तो भी है क्या लिखा है भगवान जाने थैंक यू आगे, अर्जुन जी, थैंक पर वो यू। हाँ। और मितुल प्रदीप जी ने आपको याद किया, मितुल जी के पापा प्रदीप जी के लिखे गीत तो बहुत सारे गाए हैं पापा ने, बहुत खासकर बहुत बहुत पौराणिक बहुत, फिल्मों में, अरे जितनी बहुत बहुत बहुत, धार्मिक फिल्मों में तो अनगिनत जय संतोषी प्रदीप माँ जी, का ये सब मुझे याद आ गया, यहाँ वहां मत पूछो मत पूछो। हाँ, और बहुत प्यार था पापा जी का, और मितुल बहन तो मेरी बड़ी बहन है, दीदी है हमारी, हाँ यहाँ वहां वो जहां तहां मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी हाँ संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, वाह प्रदीप जी तो बहुत वाह आदरणीय है, माल सबके हाँ बहुत बहुत प्रिय हैं, बहुत आदरणीय हैं। प्रदीप जी, वास्तव में देखा जाए तो भारतीय संस्कृति की एक बड़ी धरोहर है शब्द शब्द एब्सोल्युटली बिल्कुल शब्द संरचना और शब्दबंध को लेकर उनका एक बहुत अनमोल योगदान है जो उन्होंने किया। और एक तरह से वो राष्ट्र कवि कहलाते जो उन्होंने एक अकेला एक गाने से कर दिया, ये बिल्कुल, मेरे वतन के लोगों, और फिर वो मुकेश जी का गाया हुआ चल अकेला चल अकेला, क्या चल अकेला चल अकेला। गाना था ना, और रविंद्रनाथ टैगोर जी का उन्होंने पूरा ट्रांसलेशन और इतनी खूबसूरती से किया, आपको कहना मुश्किल पड़ेगा कि वो अच्छा है कि ये अच्छा है, मतलब ऐसा, इतना, इतने अद्भुत राइटर थे वो, इतने अच्छे राइटर थे वो, एक मुझे मेरा मेरी सौभाग्य था मैं मिला जो था उन्हें, मैं डैडी नहीं से, मिल पाया, मेरी मेरा मेरा परिचय मितुल जी से हुआ तब, वो नहीं थे बापू उस समय, जा चुके थे, लेकिन अच्छा यह है कि मैं उनकी बड़ी श्रद्धा करता हूँ। बहुत बहुत, और इतने प्रेमी इंसान, हम लोग बंगले पर गए, सरकार ने एक शो रखा था गवर्नमेंट ने, और डैड से रिक्वेस्ट किया था कि पापा जी के गाने, प्रदीप जी के गाने गाएंगे उसमें पूरे, उन्हीं के लिए पूरी, और वो थे पापा जी साथ में थे, वो व्हीलचेयर पे थे, लेकिन वो साथ में थे उस शो में, तो डैड ने कहा बिल्कुल मैं करूंगा, हालांकि बहुत से सिंगर्स ने कि मैं हम दूसरों के गाने नहीं गाएंगे, तो डैड ने ये कहा कि ये क्या बात हुई,
अगर मैं रफी साहब के गाने गाऊंगा तो मैं अपने उस्ताद के गाऊंगा, मुकेश जी के गाऊंगा तो उससे बड़ा सम्मान मेरा कोई नहीं होगा। मैं हर एक तो सब मेरे ही हैं, तो कौन अलग है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा मैं शो कर, सलमान साहब ने ये शो कराया था और सम्मान किया था। तो उसमें मैंने ये मुकेश अंकल का गाना गाया था चल अकेला, और डायट ने चलो क्या। पापा, हाँ तो बाकी पापा जी के जितने गाने थे प्रदीप जी के अंकल के, वो हाँ सब डायट ने हाँ गाए थे। और कहा था मैं सबके गाने गाऊंगा, चाहे वो रफी साहब के गाए हों, चाहे वो मन्ना दा के गाए हों, चाहे किसी के भी गाए हों, मैं सब गाऊंगा। मैं सब, हमने सम्मान देना है उस इस महान कवि को, हमें इस बात की वो नहीं सोचने की कि किन्होंने गाया और किन्होंने नहीं गाया। तो पूरा शो हमने प्रदीप जी के लिए किया था, और इतना प्यार दिया प्रदीप जी ने, इतना इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया रेडी को, मैं बयान नहीं कर सकता, बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया उन्होंने। भैया हमारा समय पूरा हो रहा है, जी भैया, बहुत मन तो भरा नहीं है क्योंकि ऐसा लग हाँ रहा है कि बातचीत अभी हुई नहीं, जी जी लेकिन मैं बहुत आपका आभारी हूँ। हमारे सारे साथी जो लगातार इस बातचीत के साक्षी रहे और आपसे भी जुड़े सब मित्र लोग, जी बहुत अच्छा। और आप आए, इस कार्यक्रम को आपने बल दिया, हौसला दिया, और आपकी दुआ रहेगी तो यह लगातार चलता रहेगा। हर बार हम किसी न किसी कलाकार से जुड़ते रहेंगे और एक बहुत यात्रा जब अच्छे, तक ईश्वर बहुत चाहेगा खूबसूरत। करेंगे। जी 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 सुनील आप जी, शोर मिलना। और आप स्वयं आप खुद कितने अच्छे लेखक हैं वो तो मैं जानता ही हूँ, और मैंने आपकी कविताएं जी पढ़ी हैं, और आपके साथ देखिए बोलते हैं अच्छे के साथ बैठो तो सब अच्छे ही मिलते हैं। तो आपके साथ साथ इतने अच्छे अच्छे कलाकारों को उनके साथ सौभाग्य, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैंने उनको उनके दर्शन भी कर लिए आपके द्वारा, और कभी ना कभी तो हो ही जाएंगे। लेकिन मैं बहुत हमें आपका ये सब आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे याद किया, आपने मुझे ये मौका दिया बातचीत करने का, और आप जब कहेंगे हुक्म करेंगे तो मैं हाजिर हूँ। क्या बात है, आपका प्रेम है, उदारता है। सचमुच में आज जो जो कला जगत के जो हमारे आदरणीय मित्र लोग सब शामिल हुए, उन सबके लिए एक अनुभव है आपसे, आपके बारे में जानना, आपसे महेंद्र कपूर साहब के बारे में जानना, और एक पूरी पूरे उस कालखंड से जुड़ जाना जो 40-50-60 साल पहले की बात है। जी तो ये हम सबके लिए बहुत अनुभव रहेगा और हम इस बात को कभी भूलेंगे नहीं। बहुत बहुत आभार भैया। बहुत थैंक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।